सीए एनपीआर का विरोध लगातार हो रहा है। जब से सीए लागू हुआ है पूरे भारत में जगह जगह लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अलग अलग अंदाज में अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत अररिया के जीरो माइल से तारन चौक तक इस कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि यह सैलाब प्रभावित इलाका है, जहां हर साल सैलाब आता है। भीषण सैलाब में लोगों के घर खेत खलिहान सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। किसी तरह से जान बचाकर लोग अपने घरों से निकल पाते हैं। ऐसी सूरत में अगर यह कानून लागू होता है तो लोग अपने कागज कहां से दिखा पाएंगे। सरकार कहती है जिनके पास कागज नहीं है वे लोग घुसपैठिए हैं। पहले सरकार दिखाए कि कौन लोग घुसपैठिए हैं। हम कोई कागज सरकार को नहीं देंगे। जनता नहीं चाहती है कि हम अपना डॉक्यूमेंट और कागजात के लिए हम परेशान होकर लाइन में लगकर और अपने काम रोजगार को छोड़कर लाइन में लगकर हम कागजात दिखाएं, क्योंकि सत्ता में बैठाने की मालिक भी जनता ही होती है जिन्होंने उसको वहां तक बैठाया है, और फिर जनता ही उसको वहां से उतार भी सकती है। तो जनता 80-90% जनता जो है कि ये सीएए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही विरोध में हैं। जिन्होंने बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जिन्होंने वोट देकर उसके साथ मेहनत करके वहां तक बिठाया है, वो भी उसके खिलाफ है। वो भी सीएए और एनआरसी एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले अक्सर ये सवाल करते हैं कि एनआरसी और एनआरपी और सीएए का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें यह मालूम नहीं है कि सीएए और एनआरसी और एनआरपी क्या चीज़ है। वो अनजाने में सड़क पर उतर आए हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जामिया का स्टूडेंट और एएमयू अलीगढ़ डीयू, क्या वो स्टूडेंट जो पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस बनेंगे, जो देश को संभालेंगे, जो विदेश में जाकर ट्रांसलेटर बनते हैं, जो पुलिस अधिकारी बनते हैं, जो बैंक मैनेजर बनते हैं, अगर वो सीएए और एनआरसी का मतलब नहीं समझते हैं तो क्या बीजेपी के अनपढ़ लोग सीएए और एनआरसी का मतलब समझते हैं? तो वो लोगों को समझाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? क्यों इस तरह की भद्दी भद्दी राजनीति की जा रही है? टोल फ्री नंबर जारी किया गया, आखिर क्या जरूरत पड़ा जो अमित शाह को टोल फ्री नंबर जारी करना पड़ा कि आप इस पर मिस्ड कॉल करें और सीएए का समर्थन करें? 125 करोड़ देश की आबादी में कितने लोगों ने समर्थन दिया भाई? आपको भी तो मीडिया के सामने रखो, क्या दिया? और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या जामिया का स्टूडेंट जाहिल है? क्या एएमयू के स्टूडेंट पढ़े लिखे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वकील तक कल विरोध किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जो देश को सबसे बड़ा हिस्सा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी विरोध किया है सीए और एनआरसी और एनपीआर का। दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, लोगों के साथ सख्ती से पेश ना आए। ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये हिटलर शाही दिखा रहा है, ये मनमानी दिखा रहा है, तानाशाही की तरफ देश बढ़ चुका है। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि पहले जो भी लोग बीजेपी को वोट दिया है, 80% लोग बीजेपी का बिना मैनिफेस्टो पढ़े हुए उसको वोट दिया है, ना कि उनके लोगों के पास समय है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसके बाद उसको समझें, फिर उसको वोट दें। लोगों ने समझा कि अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन के नाम पर उनको वोट दिया, और ये अच्छे दिन के बदले में बुरे दिन दिया, जो सारे लोग सड़कों पर हैं। आप सिर्फ देखें तो सिर्फ बिल्डिंग और गाड़ी की दूरी नज़र आएगी, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है। शाहीन बाग में हमारी माँ बहनें सड़क पर हैं, पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग सड़कों पर हैं। सिर्फ आपको ये गाड़ी और मंजिलों का फासला दिख रहा है, वरना आप सही नज़रिए से देखिए तो पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है। आज क्या ज़रूरत है? जो लोग अपने काम रोजगार को छोड़कर, बीवी बाल बच्चे को छोड़कर सड़क पर आएंगे, देश का GDP देखिए कहाँ गया। वो सवाल पूछने के बजाय लोगों को भटकाना चाहते हैं। देश की सरकार है ये, हमारे देश में एक काला कानून लेकर के आई है जो सबसे पहले हमारे संविधान की विरोधी है, और संविधान को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें सभी जाति संस्कृति और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया। ये हमारे भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा। अपने संविधान को बचाने के लिए आज बरगाछी के तमाम जनताएं सड़कों पर उतर कर मानव श्रृंखला बनाई है, ताकि मानव श्रृंखला के माध्यम से हम उस काले कानून का विरोध करें और सरकार तक अपनी आवाज़ को उठाएँ।
सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं कि आप हमारे जनताओं के दर्द को समझिए और हमारी जो संस्कृति बनी हुई है एक साथ मिलजुल कर रहने की, उसे नष्ट होने से, टूटने से रोकिए और अपने इस काले कानून को वापस लीजिए। मेरा नाम नाज खान, BYO प्रेसिडेंट, बैरगाछी विंग। देखिए, मैं इस मानव श्रृंखला के जरिए मैं पहले थोड़ा दिन पहले जाना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने मानव श्रृंखला लगाया था शराबबंदी कानून के फेवर में। एक मैसेज पूरे दुनिया को देना चाहा था बिहार से कि शराबबंदी के फेवर में पूरे बिहार के लोग हैं और इससे खुश होकर के मानव श्रृंखला लगाए हैं। सिखाया हुआ नीतीश कुमार जी का ही है, लेकिन आज जो चीज़ हम लोगों को खराब लगा तो उसके खिलाफ हम लोग जो है फिर मानव श्रृंखला लगाए हैं नीतीश कुमार जी को दिखाने के लिए और ख़ास करके भारत सरकार को दिखाने के लिए कि ये जन विरोधी कानून नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग CAA जो कानून है इसके खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला लगाए थे और ख़ास करके फिर बता देना चाहते हैं कि आने वाले 19 तारीख को जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानव श्रृंखला लगाएं और हर लोग बिहार के रोड पे आए, अगर उससे पहले घोषणा नहीं करते हैं हमारी सरकार तो हम लोग इस मानव श्रृंखला का विरोध करेंगे। हमारे गरीब गुरबा लोग, हम लोग रोड पर नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो है हम पहले मानव श्रृंखला जो नीतीश कुमार जी 19 तारीख को करने वाले हैं ये उसके विरोध में है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में सपोर्ट कर दिया, अब आकर के वो बिहार में कहते हैं कि हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे। ये तो एकदम जो है बच्चे वाले चॉकलेट जैसी वाली बात है ये, कि हम चॉकलेट देकर के आवाम को जो है खुश करना चाहते हैं, एकदम गलत है ये। दूसरी बात ये है कि चाहे CAA हो या NPR हो या जो है NRC हो, ये काला कानून जो संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, आयन हिंद के ख़िलाफ़ है, आज पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई इस काले कानून को संघीय हुकूमत ने जो कायम किया है इसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। इस मानकर पूरा इलाका जो है रोड पे उतर गया है, इस कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाजी मुजाहरा खामोशी के साथ ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हुकूमत जो है इस काला कानून को वापस ना ले। यह हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये निकम्मी सरकार जो है आज हम लोगों पर रोड तक खड़ा करने के लिए नहीं छोड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पूरा देश जल रही है, पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। ये जमहूरियत और हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ जो ये CAA के एक्ट को जो पास किए हैं राज्यसभा में और पार्लियामेंट में, नीतीश जी तो राज्यसभा में पास करके अभी बिहार वालों को, बिहार वासियों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बिहार में ये NRC लागू नहीं करेंगे। मैं नीतीश जी से ये सवाल करना चाहता हूँ इस जनसंख्या के आधार पर कि उन्होंने क्यों राज्यसभा में हिमायत किया, जब राज्यसभा में वो हिमायत कर दिए अब कह रहे हम NRC नहीं लागू करेंगे। और सबसे पहला राज्य ऐसा है बिहार कि उन्होंने कहा कि हम NPR ला के रहेंगे और 28 मई तक ला के रहेंगे। और मैं केरला के सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने CAA NPR NRC लागू कर रहे हैं। ये CAA एक्ट जो लागू हो चुका है इसको वापस लें। ये गरीब मजलूम बिहार के लोग, ये सीमांचल के लोग, सैलाब में हर साल इनका घर ख़त्म हो जाता है, इनको खाने के लिए अनाज नहीं है, इनके पहनने के लिए कपड़े नहीं, इनके बच्चों के पास स्कूल नहीं, अच्छी तालीम नहीं। आप स्कूलों में जा कर के देखें, इनके ऐसे बुरे हालात हैं कि जो खुद टीचर को ABCD से लेकर A से लेकर Z तक याद नहीं, उन ऐसे लोगों को यहाँ पर उन्होंने भर रखा है ऐसी जगह में, और आप इन लोगों से कागज़ मांगते हैं जिनको अपना नाम खुद पता नहीं है कि हमें अपना नाम कैसे बताएं, सही नाम क्या है। आप उन लोगों से कागज़ मांग रहे हैं, वो कहाँ से ला के देंगे? आप पुश्तों की बात करते हैं, खुद इनसे पूछिए, इनके जो बाप दादे हैं वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से, ये कहाँ बताएंगे? आप NPR NRC ला करके लोगों को जो तबाह करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा करके आपस में आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जो है अपना मुद्दा चमकाने के लिए ये सब काम कर रही है। ये मुल्क को फिर अंग्रेजों के जैसे आपस में हिंदू मुस्लिम करा करके ये अपना राजनीतिक मुद्दा चमकाना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास बाबरी मस्जिद का मसला था वो ख़त्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा था वो ख़त्म हो गया, अब इनके पास कोई चारा नहीं था तो इन्होंने एक नया निज़ाम लागू किया ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे और हमारी राजनीति चलती रहे। हाँ, यही चाहते हैं वो। और हम सदरुद्दीन, फिरकाप्रस्त की जो सरकार अभी मौजूद है ये इस पार्टी के सांसद हैं, तो इनका तो काम होगा ही। इस पार्टी में हमारे अपने भी लोग, हम लोगों ने देखा है कि घूम घूम कर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इससे मत डरिए। आप कब तक, आप तो डरा रहे हैं, आप तो खुलेआम भेज रहे हैं हमें डिटेंशन सेंटर में। आप आसाम में क्या हाल करके रखे हैं, आज जो है NRC
सी ए एन पी आर बिहार में तो एन पी आर लागू भी हो चुका है, एन पी आर पर काम हो रहा है। कैसे देखते हैं इस कानून को? ये काला कानून है, ये सरासर जो है देश को, देश में ये जो अमन पसंद लोग हैं उनको बांटने का कानून है, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने का कानून है। ये सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, इनके पास मुद्दा है सिर्फ हिंदू और मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का। आज